हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का जस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्व अंतर जो है क्या होगा, तो देखिए हम लोग जो ऐसे क्वेश्चन में कहा है वैसे हल कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद का मतलब हुआ कि ये 17वां हो गया, यह जो है किसके बराबर है, तो ये 10वें से 7 अधिक है। ये 10वें से 7 अधिक है यानी कि 10वां पद में 7 हम लोग जोड़ देंगे। तो जैसे प्रश्न कहा है वैसे जो है हमारा समीकरण हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि 17वां पद क्या है, 10वें से 7 अधिक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 17वां पद निकालना हो तो ए प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी होगा। ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 10वें पद से 7 अधिक है। तो 10वां पद के लिए ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होता है, होगा और प्लस में 7 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस में है और ये भी प्लस में है तो ये गायब हो जाएगा, और 17 में से 1 जाए तो 16 डी हो जाएगा, और इधर देखा जाए तो 10 में से 1 जाए 9 डी हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा 7। अब 9D को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 16D में से 9D घट जाएगा तो इधर हो जाएगा 7, ठीक है। तब 16D में से 9D घटाएंगे तो 9 7 16 होता है यानी कि 7D हो जाएगा। 7D बराबर 7 हो जाएगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा, 7/7। तो D का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। और यही बताना है, D का मान सर्वांतर ज्ञात करना था, D का मान ज्ञात करना था। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बराबर हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि सर्वांतर हो जाएगा 1 यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। सर्वांतर D बराबर 1 हो जाएगा, यही आंसर होगा। आंसर 1 कहिए या सर्वांतर D बराबर 1 कहेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।